हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ाइफ़ा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 लेकर हम हाज़िर हुए हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है मिसलिनियस एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा गया है शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, ए इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। ये हमको शो करना है कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। इस सेकेंड पार्ट में कहा गया है ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, तो ये हमें शो करना है। तो इसको हम करेंगे बाद में, पहले हम लोग करते हैं इसका ये फर्स्ट पार्ट। ये तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको फर्स्ट पार्ट कह देते हैं। यहाँ पर है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। अब बच्चों, हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये हमारा जो राइट हैंड साइड है इसको ले लेते हैं और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी को ऐसे ही रहने देंगे यूनियन, और इस ए माइनस बी को हम चेंज करेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पर डाउटफुल हो गए कि भाई ये कैसे लिख दिया, ये कैसे इक्वल हो गया, ए माइनस बी जो है वो हमारा कैसे बराबर हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए ये उन बच्चों को हम थोड़ा सा बता देते हैं भाई ये क्यों बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम वेन डाइग्राम से हेल्प लेंगे, एक वेन डाइग्राम बनाएंगे हम। ये हमने एक वेन डायग्राम बना रहे हैं, रेक्टेंगल ले लिया और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और यहाँ पर एक हमने ए सेट ले लिया, ये हमारा ए सेट है ग्रीन कलर का, यहाँ पर लिख भी देते हैं ए। और एक हम बी सेट ले लेते हैं, ये हमने बी सेट ले लिया रेड कलर में, ये हमारा बी सेट हो गया, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पर ये बता दो ए माइनस बी हमें शेड करना है, क्या शेड करना है, ए माइनस बी। तो भाई ए में से बी का जो भी पार्ट है वो निकाल दो, बाकी ए जो भी बच रहा है उसे शेड कर दो। तो ए ये बच रहा है ये शेड कर देंगे हम, ठीक है भाई, ये हम शेड कर देते हैं। तो ये हमारा जब शेडिंग चल रही है बहुत बढ़िया, ये हमने ए माइनस बी शेड कर दिया, ठीक है, ब्लू कलर से, ठीक है भाई। अब ये तो हमारा ए माइनस बी हो गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में बी को हटा दो, फिर बाकी जो भी बच रहा है वो बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ये सारा हमारा बी कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सब हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये सारा बी कॉम्प्लीमेंट में आएगा। और ये ए का ये वाला पार्ट भी बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा क्योंकि ये बी नहीं है, जो बी नहीं है वो सारा बी कॉम्प्लीमेंट में। तो ये हमारा बी कॉम्प्लीमेंट शेड हो रहा है, ठीक है। जब तक ये शेड हो रहा है आप वीडियो को जो है शेयर कर दें, लाइक कर दें, कोई कमेंट करना है आपको कमेंट कर दें, बताएं मुझे कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारा हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ये सब हमारा बी कॉम्प्लीमेंट है, ये सारा का सारा, ये इधर भी सारा का। अब देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और ए का इंटरसेक्शन पार्ट क्या हुआ, जहाँ पे दोनों लाइनें आई, और दोनों लाइनें कहाँ पर आ रही हैं, ए माइनस बी वाले पार्ट में। इस बेसिस पे मैंने कहा कि ए माइनस बी जो है वो इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। अब शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चीज़ है ए इंटरसेक्शन बी, इसका ब्रेकेट ओपन करेंगे, ये चीज़ अंदर जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है यूनियन, और उसके साथ यूनियन कराएगी, जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते थे ना, ठीक है, वही वाली चीज़ है। ये वाला पार्ट पहले अंदर जाएगा ए के साथ, तो ये वाला पार्ट पहले अंदर जाएगा ए के साथ। तो ए
इंटरसेक्शन बी किसके साथ जाएगा, ए के साथ जाएगा, और क्या कराएगा, यूनियन कराएगा, यूनियन ए, ठीक है। अब ये वाला पार्ट इसके पास जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट के पास, और क्या कराएगा, यूनियन कराएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों के बीच में क्या साइन था, इंटरसेक्शन का, वो साइन यहाँ पे सेम सेम हमें यहाँ पे रखना है एज इट इज़। अब ये हमारी बात बनी आगे की, ठीक है। अब देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, ठीक है। जब किसी दो सेट का यूनियन हम कर रहे हैं, ठीक है, हम यूनियन किस किस का कर रहे हैं, इसका और इसका, ठीक है, और उसका इंटरसेक्शन, दो सेट का हम किसी का यूनियन कर रहे हैं, और इन में से किसी एक का इंटरसेक्शन जो है उन्हीं में से किसी एक सेट से हो, मेरी बात समझना आप यहाँ पर। जैसे हमने क्या करा कि इस सेट का यूनियन करा इससे, ए से, और ए का ही इंटरसेक्शन यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ए का ही इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा इसका जो यूनियन आएगा वो ए ही आ जाएगा, ठीक है, ए ही आ जाएगा, ठीक है। यकीन नहीं आ रहा, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने एक सेट ले लिया ए, और इसमें एलिमेंट रखे हमने 1 2 3, एक सेट ले लिया हमने बी, यहाँ पर एलिमेंट है 2 3 4। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन दोनों में जो भी कॉमन है ले लेंगे 2 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका यूनियन किससे हो रहा है, ए से हो रहा है, तो यूनियन ए, ए क्या है हमारा 1 2 3। अब इसका यूनियन करना, तो यूनियन में क्या होता है, इसके भी एलिमेंट हो, इसके भी एलिमेंट हो, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3, तो ये क्या आ गया हमारा, ए नहीं आ गया, ठीक। तो इस बेसिस पे हम ये यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये चीज़ जो है हमारी क्या हो गई, ए हो गई, ठीक है। अब यहाँ क्या लगा है, इंटरसेक्शन, सही है। चलो अब देखिए, अगर हम बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से कराएं, ठीक है, बी का यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से कराएं, तो ये यूनिवर्सल नहीं हो जाएगा सर, क्योंकि बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे के सारे, तो ये क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है। अब कोई भी सेट अगर यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है तो आंसर में वो खुद आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए। अब कोई सेट खुद का इंटरसेक्शन खुद से करे तो आंसर क्या आएगा, ए। और ये क्या था हमारा, यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड था। सो हम यहाँ पर प्रूव्ड कर दिए कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। और हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो हमें गिवन था वो इक्वल है, ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, ठीक है, दैट्स इट। अब बच्चों चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये बहुत स्लो स्लो चल रहा है मामला। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे वीडियोस देख रहे हैं जिन्हें दिक्कत हो रही है समझने में, ठीक है। तो जिन्हें आ रहा है समझ में वो स्पीड बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं, और जिनको ये वाला पार्ट आता है सेकंड पार्ट देखना है तो वो आगे सेकंड पार्ट पे जा सकते थे छोड़ के। चलो अब तो खैर सेकंड पार्ट पे आ ही गए, तो यहाँ पर सेकंड पार्ट हमें लिखना पड़ेगा। तो सेकंड पार्ट हमारा क्या था भाई, सेकंड पार्ट था हमारा ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों ले लेते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, तो वहाँ पर हमने राइट हैंड साइड ली थी, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। अच्छा तो हम इसको लिख लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को, ए यूनियन बी माइनस ए, और इसको हम बी माइनस ए को क्या लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया था इससे पहले एग्जाम्पल दे के क्यों हम ऐसा लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैं आपको देखो, यहाँ पर क्या था, ए माइनस बी था, हमने इसको लिखा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये मैंने वेन डायग्राम बना के दिखाया। सिमिलरली
यहाँ पर है बी माइनस ए, तो इसको लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यूनियन ये अंदर भेजेंगे और ये बी के साथ यूनियन कराएगा ए, तो ए यूनियन बी, और फिर ये ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कराएगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ये इंटरसेक्शन का साइन वैसे की वैसे। तो यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन। अब भाई किसी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट से कराएं तो क्या बन जाता है, वो यूनिवर्सल। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अब किसी भी सेट का यूनिवर्सल, किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से कराएं तो वो सेट खुद आ जाएगा। तो ये हो गया ए यूनियन बी के इक्वल, और ये हमारा है राइट हैंड साइड, यही हमारा है राइट हैंड साइड। तो यहाँ से प्रूव्ड हो जाता है। सो हम कह सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव्ड करना था। इति सिद्धम।